बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में हैं, जहां पर आज उनका दिव्य दरबार सजने वाला है। आज बाबा भक्तों की पर्ची निकालेंगे। हनुमत कथा के जरिए बागेश्वर सरकार का सनातन के जागरण पर जोर है, तो वहीं 8 जुलाई तक सजने वाले बागेश्वर सरकार के दरबार में कल 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन रामलीला उत्सव ग्राउंड में हो रहे बाबा बागेश्वर के प्रोग्राम के लिए 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, तो कार्यक्रम वाली जगह के आसपास का ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया है। देश की राजधानी में बागेश्वर धाम सरकार, भक्तों ने भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। समाज को जोड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा काम है। हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उनको समर्थन कर रहे हैं। आज सजेगा दिव्य दरबार, बाबा निकालेंगे भक्तों की पर्ची। देर हुई तो क्या हुआ, हमें भरोसा है कि भारत का एक एक सनातनी जागेगा और राम काज के लिए जग करके हम सब सनातनी पुनः एक होंगे। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों राजधानी दिल्ली में है, जहां उनके दरबार में भक्ति की धारा बह रही है। दिल्ली के भक्तों में बाबा अपने प्रवचनों से जोश भर रहे हैं, तो हनुमान जी की भक्ति के पाठ भी पढ़ा रहे हैं। कोई हनुमान जी के समान दूसरा बड़भागी, अच्छा सुनो, हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है, और इन दिल्ली के कथा सुनने वालों के समान भी आज कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। बोलो सीताराम, क्यों यह बात याद रखना, राम जी की कथा सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं, लेकिन अगर हनुमान जी की कथा हो तो कौन आता। जिस प्रकार राम जी की कथा सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी की कथा सुनने के लिए स्वयं श्री सीता राम जी आते हैं। चारों युग परिताप तुम्हारा, परिसिद्ध जगत उजियारा। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन रामलीला उत्सव ग्राउंड में हनुमान जी की कथा सुना रहे बाबा बागेश्वर महाराज का यह भव्य कार्यक्रम 8 जुलाई तक चलेगा। आज बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में अर्जी भी लगाई जाएगी। आज बाबा भक्तों की पर्ची निकालने वाले हैं। बाबा के दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए दिल्ली के अलावा 7 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बंगाल और बिहार और झारखंड से श्रद्धालु दिल्ली पहुंचे हैं। आज बाबा के दरबार में करीब 1,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं का जमावड़ा होने वाला है। दिल्ली में बाबा भक्ति की अलख जगा रहे हैं, तो उनके भक्त बागेश्वर सरकार के सनातन के संकल्प को सिराखों से लगाए बैठे हैं। ये हिंदू राष्ट्र क्यों आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, और बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र में क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है उनके एक आवाज पे, यानी हमारे लिए तो भगवान है, प्रभु के रूप है जी, साक्षात बालाजी के दर्शन उनमें होते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया होनी चाहिए, जायज बात है। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, खाली घोषणा की जरूरत है, बाकी हिंदू राष्ट्र तो है ही। बस हम चाहते हैं कि बस हम पर दया बना रहे और पर्ची निकालते, ये भी बहुत अच्छी बात है, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। बाबा जी हमारी सब सुनेंगे, और मतलब हम बाबा जी के गुरु जी के पहले घर से ही हम लोग प्रार्थना करते थे, तो हमें महसूस होता था कि हाँ वो हमारी सुनेंगे, और हमारा हमें अच्छा फील होता था। ये है जिसे बोलते हैं एक बागेश्वर बालाजी की साक्षात चमत्कार सिद्धि। हनुमान जी कलयुग में राजा हैं और आज भी वो अमर हैं, उनको वरदान मिला हुआ है, ये आप जानते हो। तो गुरुजी और बात क्या बोलते हैं, यही तो बोल रहे हैं भाई कि हनुमान चालीसा पढ़ो,
सनातन धर्म का प्रचार करो। अभी उन्होंने एक किताब बनाई है एकांत में आगे सनातन धर्म का प्रचार के लिए वो किताब बना, उसके लिए हम जैसे युवा खड़े हैं सबसे पहले प्रचार करेंगे स्कूलों में कॉलेजों में जा जाकर रोडों पर जा जाकर के, जो लोग सोए हुए हैं जो अभी सनातन धर्म को नहीं जान रहे वो उस किताब को पढ़ करके उनको अच्छे से समझाएंगे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी यज्ञ से होगी, फिर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बाबा का दिव्य दरबार लगेगा, शाम 4 से 8 बजे तक हनुमंत कथा का आयोजन होगा। लोग हिंदू राष्ट्र की बात यहाँ खुलकर कर रहे हैं और उनमें भगवान हनुमान के साक्षात दर्शन देखते हैं। अब ये उनकी कथाओं का असर है कि जो टीवी के जरिए लोगों तक पहुंची है, अब लोगों को लगता है कि बाबा सचमुच चमत्कारिक है, जो पर्चियां पढ़ते हैं उससे सचमुच चमत्कार होता है, लोगों को ऐसा लगता है और इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।